हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो हमने गोभी को काट लिया है, इसे धो भी लिया है और ये आलू कटा हुआ है बड़े साइज़ में। अब अपने अनुसार आलू को काट सकते हैं। और एक टमाटर कटा हुआ है और एक गोभी का डंठल है। और हमने हरी मिर्च लहसुन लिया हुआ है, इसे हम पीस लेंगे। और एक प्याज कटा हुआ है। तो हम पहले आलू और गोभी को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो चलिए इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो गोभी के डंठल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने गोभी के डंठल को काट लिया है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ी भी बनता है। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई भी गर्म हो गया। अब इसमें हम तेल डाल लेते हैं। तो हम गोभी को डाल लेते हैं। तो गोभी फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने गोभी को निकाल लिया है, अब इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। आलू भी फ्राई हो चुका है, अभी से भी हम निकाल लेते हैं। हमने आलू को भी निकाल लिया। तो अब हम इसी तेल में सब्ज़ी को बना लेते हैं। तो हम तेज़पत्ता डाल ले रहे हैं, थोड़ा सा जीरा और दो लाल मिर्च। हम प्याज को डाल लेते हैं। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हम हल्दी डाल लेते हैं, आधे चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च जो पीसे थे इसे डाल लेते हैं। अब इसे हम चला लेते हैं मसाले को। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि स्वाद अच्छा लगेगा इसका। हम इसी तरह मसाले को भून लेंगे। मसाला भून चुका है, इसमें अब हम आलू और गोभी को डाल लेते हैं। और इसमें हम जो गोभी के डंठल को काटा हुआ था उसे भी डाल लेते हैं और टमाटर भी डाल लेते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। तो अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। अब हम सब्जी को ढक कर बना लेते हैं, इसे अच्छे से पका लेते हैं ढक के। सब्जी को चला लेते हैं। Thank you.
ऐसे ही हम बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि अच्छे से भून जाए। तो सब्जी भून चुका है, इसमें अब हम पानी डाल लेते हैं। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, हम ग्रेवी वाला सब्जी बना रहे हैं। हमने सब्जी में पानी डाल लिया है, अब इसे में उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो इसमें हम गरम मसाले को नहीं डाले थे तो गरम मसाले को भी डाल लेते हैं। आप इसमें हरी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो सब्जी बनकर तैयार है, अब इसे हम कटोरे में निकाल लेते हैं। तो हमने सब्जी में ज़्यादा पानी नहीं रखा हुआ है, बहुत कम पानी है। आप अपने अनुसार ग्रेवी रख सकते हैं। ये और आलू की सब्जी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बना हुआ है। तो आप इसे चावल पराठे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।